मुझे डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुरैशी कहते हैं, मैं बॉम्बे में रहता हूँ और बचपन से ही 15 साल की उम्र से बॉम्बे की तालीमी समाजी फलाह बहबूद की सरगर्मी में पेश रहा। ये गालिबन एकेडमी के सिलसिले में मैं कहूँगा कि ये 1997 की बात है, मैं और मेरे साथी शबी खान जो खास जो ओरिजिनल बॉम्बे के बाशिंदे रहे और थे, उन्होंने हम दोनों ने यहाँ पे जब आए तो दूसरा हमें काम और फलाह बहबूद और अवामी ज़िंदगी के अलावा कोई शौक़ नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना मियाँ हजूर के नाम से एक एकेडमी बनाए कायम करें और उसके तहत वो सारे प्रोग्राम जो मुंबई में हम मुख्तलिफ अदारों की तरफ से मुख्तलिफ सोसाइटी की तरफ से करते हैं वो उस एक नाम के ज़ेर तहत करें। तो यहाँ सोचा तो हमारे दिमाग में जो बात आई वही थी हजरत शाह सकलेन एकेडमी। इसका जिक्र डायरेक्ट मियाँ हजूर से अर्ज़ करने के बजाय हमने मुमताज़ मियाँ से किया, मुमताज़ मियाँ मियाँ हजूर के पास लेके गए तो मियाँ हजूर ने फरमाया क्या करोगे इस एकेडमी के तहत। तो हम गौर से कुछ सोचने लगे और इस तजव्वुज में थे, ये ख्याल परेशान कर रहा था शायद मियाँ हजूर अपने नाम की एकेडमी की इजाज़त ना दें, क्यों यहाँ बड़ी सादगी है, खानकाह में बहुत देर तक मियाँ हजूर हमें देखते रहे। हमने कहा हजूर जो हम हजूर को रोशन है, हम जो काम मुंबई में करते हैं तालीम का, स्टूडेंट्स का, बेवाओं को पेंशन देने का, वो तमाम काम हम इस एकेडमी के ज़रिए करेंगे। मियाँ हजूर मुस्कराए, बोले ठीक है करो, बस वहाँ से हिम्मत बढ़ी और बम्बई पहुँचे। तो इत्तेफाक की बात है कि 13 मार्च का दिन पड़ रहा था हमारे 2 दिन पहुंचने के बाद, तो हमने कहा सोचा जिस नाम से ये एकेडमी कायम हुई है क्यों ना हम उनका यौम विलादत मनाएं। अब यहाँ भी मैं बड़ा यानी कहने में झिझक की महसूस कर रहा हूँ कि वो 2 दिन बाकी थे, अगर यहाँ फ़ोन करते, इजाज़त लेते और वहाँ मीटिंग करते तो शायद प्रोग्राम होता ना होता। लेकिन हमने वहाँ एक हॉल बुक किया और हॉल बुक करने के बाद सारी तैयारियाँ कर ली, मिलाद खान को बुला लिया, तमाम मुकर्रीन जो थे उनको बुला लिया जो अलिया कराम पर अच्छी तकरीरें करते थे, उनको बुलाने के बाद 1-2 घंटे पहले हमने तमाम अपने पीर भाइयों को फ़ोन किए, अनाउंस किया। वो पहला प्रोग्राम भिंडवेयर में ऐसा था जिसने रोड जाम कर दिया और रात को 2-2.5 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। उससे एक बड़ा हौसला हमें मिला कि ये एकेडमी जो है हम जब लेके चल रहे हैं तो इसमें किसका बहुत काम आगे हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि बम्बई में हम कोई और काम करें तो मालूम हुआ कि और शहरों में और गांवों में लोगों ने एकेडमी के लिए बुलाना शुरू किया और कहा कि हम यहाँ भी अपनी उसी यूनिट कायम करना चाहते हैं। इस ढंग से एकेडमी फैलती चली गई, बम्बई शहर में उसी कई यूनिटें बन गई, यूपी में बरेली में अतराफ़ के जब मैं आता था तो मालूम होता था, मुमताज़ मियाँ बताते थे और तमाम लोग बताते थे कि यहाँ फला फला जगह प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, फला फला जगह एकेडमी बन गई है। इस ढंग से 1997 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के 10 प्रदेशों में 10 स्टेट में एकेडमी की शाखें कायम हो गई। स्कूल का यूनिफॉर्म तकसीम करना, बच्चों की को किताबें मुहैया कराना, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मदद करना, बेवाओं को की मदद करना, घरों में उनके अनाज भेजना, ये सारे प्रोग्राम सारे हिंदुस्तान में एकेडमी के तहत चल रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर से जो प्रोग्राम जश्न शाह शराफत के मौके पर हुआ बॉम्बे से जिसकी शुरुआत हुई, वो इज्तिमाही शादियों का प्रोग्राम है, मास मैरिज का प्रोग्राम है।